So we'll start with next question, example 7.6. What must be thickness of a thin film which when kept near one of the slits shift the central fringe by 5 mm for incident light of wavelength 5400 angstrom in Young's double slit interference experiment. The refractive index of the material of the film is 1.1 and the distance between the slits 0.5 mm. तो पहले सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में बोला क्या है. तो आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है दैट यू नो व्हाट इज इंटरफेरेंस पैटर्न, और इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनता है ये तो पता ही होगा. तो दिस इज द स्क्रीन एंड लेट अस से यू हैव टू स्लिट्स ओवर हियर, यहाँ पे दो स्लिट्स है, यू हैव टू स्लिट्स. अब नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली ये जो दो स्लिट्स है इसके वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा एट द सेंटर, आई विल मार्क डाउन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर यू हैव द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में यू हैव ब्राइट सेंटर मतलब ब्राइट बैंड जिसको हम जीरो ऑर्डर मैक्सिमम बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड बोलते हैं. फिर दोनों साइड्स पे होता है डार्क एंड देन अगेन ब्राइट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा होता है. अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमने दोनों में से एक स्लिट के सामने, देखो ऐसा क्लियरली बोला है व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ अ थिन फिल्म व्हिच व्हेन केप्ट नियर वन ऑफ द स्लिट्स. तो दोनों में से एक स्लिट के आगे हम लोगों ने इमेजिन एक थिन फिल्म रख दिया, इज अ थिन फिल्म. तो इस थिन फिल्म की वजह से जो पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ. और यू शुड नो थिन फिल्म की वजह से अगर तुम S2 के सामने एक फिल्म रख रहे हो तो पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा, S1 के सामने रख रहे हो तो ऊपर शिफ्ट होगा. दैट इज व्हाट हैपेंस, पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है. अब पूरा पैटर्न शिफ्ट हो तो सेंट्रल फ्रिंज भी तो शिफ्ट होगा. तो सेंट्रल फ्रिंज कितने से शिफ्ट हुआ, तो मैं ये हटा देता हूँ टेम्पररी. सेंट्रल फ्रिंज कितने से शिफ्ट हुआ वो आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू हाउ मच 5 mm. तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो सेंट्रल फ्रिंज पहले सेंटर पे था अब ये यहाँ पे आ गया. तो द शिफ्ट इज, लेट अस से शिफ्ट इज एक्स, और एक्स की वैल्यू है 5 mm, एक्स की वैल्यू है 5 mm, राइट, गुड, दैट इज 5 × 10⁻³. और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने यूज किया है वो है 5400 angstrom. ओके, सो दिस इज लाइक 5 × 10⁻³ मीटर एंड दिस इज 5.4 × 10⁻⁷ मीटर. गुड, देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म. तो ये जो तुमने फिल्म यूज किया है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है कितना है इसका 1.1, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी इज गिवन टू यू, स्मॉल डी इज 0.5 mm विच इज 5 × 10⁻⁴ मीटर. यह है स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये आपको इतना दिया हुआ है. आपको पूछा है थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो ये जो फिल्म हमने यूज किया ना, जो हमने फिल्म यूज किया उसका थिकनेस टी कितना है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म यूज्ड. गुड, अभी प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन का थ्योरी कवर नहीं होता है आपके स्टेट बोर्ड में, दैट इज वाई आई विल जस्ट टेल यू द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. और ऐसा क्यों हुआ, शिफ्ट क्यों हुआ, दैट इज समथिंग आई विल टेल यू थियोरेटिकली. देखो नॉर्मली क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको ऑप्टिकल पाथ बताया था, याद है क्या, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ इज म्यू इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, है ना. और फॉर एग्जांपल इफ लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू एयर, इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 3 cm, तो ऑप्टिकल पाथ इज 3 cm क्योंकि म्यू इनटू डिस्टेंस, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो 1 × 3 = 3. अगर वही लाइट 3 cm ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो ऑप्टिकल पाथ इज नॉट द सेम, इट इज म्यू इंटू थ्री अगेन, मतलब 1.5 × 3, मतलब ग्लास के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4.5. तो जब मीडियम चेंज होता है तो जो डिस्टेंसेज है वो चेंज हो जाते हैं, द डिस्टेंसेज टेंड टू चेंज. और आपको पता है किसी भी पॉइंट पे ब्राइट या डार्क मतलब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर. तुम तो फाइंड ये करते हो ना, S1P और S2P सब्ट्रैक्ट करते हो, बराबर. तो अगर मैंने दोनों में से एक स्लिट के आगे, एक के आगे, दोनों के आगे लगूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एक स्लिट ने पैटर्न को नीचे शिफ्ट किया
और दूसरे ने ऊपर शिफ्ट कर दिया। इमेजिन अगर मैं दो फिल्म लेता सेम मटेरियल के सेम थिकनेस के, एक ने पैटर्न को नीचे शिफ्ट किया, दूसरे ने ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब पैटर्न इज बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। तो याद रखना क्या होता है कि वेन यू कीप अ फिल्म इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, इसका मतलब अभी ऑप्टिकल पाथ चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से लाइट पास हुआ तो यहाँ से लाइट पास होने के बाद उसका ऑप्टिकल पाथ बदल गया, बिकॉज ऑप्टिकल पाथ रिमेंबर इट इज म्यू इन टू डी। वॉट डज दैट मीन, उसका मतलब ये होता है कि S2 से जो भी लाइट आ रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस। अब तो क्योंकि इट इज ट्रेवलिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस, मतलब देर इज मोर पाथ कवर्ड बाय लाइट कमिंग फ्रॉम S2 कंपेयर टू जब फिल्म नहीं था उसके कंपेरिजन में। गुड, तो ये बेसिक आइडिया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस? हमने पाथ डिफरेंस का कुछ फॉर्मूला, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वी हैव डिराइव्ड। फाई के टर्म्स में बात देख लेंगे, मैं दो स्लिट्स की बात कर रहा हूँ। दो स्लिट से एक किसी भी पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो डिफ्रैक्शन पे आ गए तुम, इंटरफेरेंस की बात चल रही है इधर। तो अभी आप यू हैव टू चेक ऑल द इक्वेशंस। तो मैंने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बना के दिया था, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो अभी फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आप चेक करो। अब ये कैसे आया थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, यू हैव टू थिंक, क्योंकि तुमको पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं याद। हमने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, एस टू पी माइनस एस वन पी की बात कर रहा हूँ मैं, विच वॉज इफ यू रिमेंबर टू एक्स डी बाई डी, टू एक्स डी बाई टू डी, टू टू कैंसिल हो गया था, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी दैट वॉज अ पार्ट डिफरेंस, एक्स डी बाई कैपिटल डी दैट वॉज अ पार्ट डिफरेंस। अगर याद होगा तो एक्स इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस था उस केस में। इस केस में जब दोनों स्लिट्स के आगे कुछ भी नहीं लगाया था तुमने, अब जब तुम दोनों स्लिट्स के आगे एक फिल्म रख रहे हो ना, तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है उसका ये फॉर्मूला बनता है, विच इज एक्सपेक्टेड विदाउट डेरिवेशन फॉर यू। एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इसको डिराइव करो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यू हैव टू नो कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है इट इज एक्स लैम्डा बाय स्मॉल डी, वेयर एक्स इज द शिफ्ट, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, वो दिया है आपको, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, अभी याद रखना पड़ेगा। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आता है ना, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थिकनेस इंटू म्यू माइनस वन। तो थिकनेस इंटू म्यू माइनस वन आता है ये, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे जब आप फ्रॉम वन एंड टू, ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपको, जेई नीट में जब क्वेश्चन आएगा तब मैं डिराइव करके दे दूंगा, अभी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है डेरिवेशन। अभी फिलहाल तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए, when you place a slit then the path difference is x lambda by d, slit matlab thin film na, thin film in front of slit, or extra path difference is also thickness into mu minus 1। in dono ko equate kar lo, equate karoge to from 1 and 2 what you get is x lambda by small d equals to t into mu minus 1। to yahan se aapka thickness of the film ka formula derive ho gaya, x lambda by d into mu minus 1। and remember while doing JEE NEET classes tab main aapko derive karke de dunga, abhi expected nahi hai, so let's not waste time in deriving this thing। so t equals to x, x kitna aaya tha aapka 5 mm tha na, 5 into 10 raised to minus 3, what is wavelength of light used, 5.4 into 10 raised to minus 7, what was the slit distance between two slits, 5 into 10 raised to minus 4, and this is 1.1 minus 1, तो यू हैव 5.5 कैंसिल हो गया, वेरी गुड। ये 10 रेस टू माइनस 4 है और ये 0.1 10 रेस टू माइनस 1 है, तो 10 रेस टू माइनस 5, ऊपर 10 रेस टू माइनस 10, ऊपर 10 रेस टू माइनस 10, नीचे 10 रेस टू माइनस 5, तो कितना हो गया 10 रेस टू माइनस 5। इसको माइक्रोमीटर में लिखो तो दिस इज 54 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, तो द थिकनेस ऑफ द फिल्म यूज्ड इज 54 माइक्रोमीटर। 54 माइक्रोमीटर शुड बी योर आंसर, 54 ही दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.7। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर 2.5 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट ऑब्जर्व्स एट 5500 एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब एपर्चर का साइज दिया है 2.5 मीटर, और वेवलेंथ विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज 5.5×10⁻¹⁷ मीटर आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम एंगस्ट्रॉम टू मीटर। ओके, देन इफ यू रिमेम्बर, हमने ये कल के ही लेक्चर में कवर किया है। इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज एंगुलर रेजोल्यूशन का फॉर्मूला, डी थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाई ए। 1.22 तो जब यूज करते हो जब सर्कुलर एपर्चर हो, और डायामीटर बोला है मतलब सर्कुलर एपर्चर है, तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज होगा। तो यू हैव एंगुलर रेजोल्यूशन डी थीटा इक्वल्स टू 1.22 × 5.5×10⁻¹⁷, 10⁻¹⁷, और ए कितना है, ए इज 2.5। गुड, सिंपल नंबर्स। तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो इसको। व्हाट इज 5.5 × 1.22? तो एक काम, अदर देखो, इट्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। इट्स 5 जा एंड इट इज 11 जा। सिंपल है ना ये। और तुमको कभी भी याद रखना, डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, इजी पड़ता है। तो ये आ गया आपका, चलो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.22 का 2.44 हो गया। ओके, और उसको 11 को वैसे ही रखते हैं फिलहाल, −7, और नीचे हो गया 10। 10⁻², क्या था वो, 10⁻²⁷ है, ये 11 है। ओके फाइन, 10⁻²⁷, और नीचे 10 बन गया, नीचे 10 बन गया, ये ऊपर जाके आपका हो जाएगा 10⁻²⁸, 11×2.44। टू, ठीक है, 24.4×11×10⁻²⁷। टू फोर्टी में 24 ऐड कर लिया, 264, तो 264 तो ये आ गया। व्हाट इज 11×4 = 44, तो 11.4 = 4.4, इसमें 4.4 ऐड कर लो, तो 268.4×10⁻²⁷, तो 268.4×10⁻²⁷। ऑफ कोर्स यू आर फाइंडिंग आउट एंगल, एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, तो दिस इज इन रेडियन, तो ये आपका आंसर रेडियन में आना चाहिए। यही है आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.8। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय अ माइक्रोस्कोप हैविंग द विजुअल एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। अभी विजुअल एंगल क्या, तो इफ यू रिमेंबर कल का लेक्चर, लास्ट लेक्चर, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डो नॉट रिमेंबर, मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर नाउ। तो इफ यू रिकॉल, इफ यू कैन रिकॉल, हमने कल ना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखा था। तो इफ यू सी, ये जो पॉइंट सोर्स ए है, इट इज सबटेंडिंग सम एंगल अल्फा, हाँ, ये हाफ एंगल है बाय द वे, तो ये जो एंगल अल्फा बनता है इसको तुम बोलते हो विजुअल एंगल, बस इतना पता होना चाहिए। तो विजुअल एंगल 30 डिग्री है, तो आपको दिया हुआ है विजुअल एंगल, तो दे आर गिविंग यू वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल, व्हाट इज अल्फा वैल्यू, 30। तो विजुअल एंगल का जो वैल्यू है, अल्फा का जो वैल्यू है, दैट इज 30 डिग्रीज, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर इज 5×10⁻¹⁷ मीटर, 5×10⁻¹⁷, ये आ गया मीटर्स में। और आपसे पूछा क्या है, दे आर आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी रिजॉल्व, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है।
डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसका, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय माइक्रोस्कोप। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्या था फॉर्मूला? दो फॉर्मूला थे, इसलिए मैं तुमको बताया था कि सेल्फ लुमिनस एंड नॉन सेल्फ लुमिनस याद रखना। जब सेल्फ लुमिनस हो तो 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा होता है। जब नॉन सेल्फ लुमिनस हो मतलब वो खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करता हो तो 1.22 छोड़ देना। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहां बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ लुमिनस है? बोला नहीं है ना। तो जब बोला नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट नॉन सेल्फ लुमिनस होता है वो, तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, वेयर म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कहीं नहीं बोला कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच में कोई मीडियम है, तो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होने वाली है। तो यह म्यू भी मैं लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 है। गुड, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यू आर जस्ट सपोज टू पुट वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ विच इज 5 × 10⁻⁷ एंड देन यू हैव 2 × sin 30। साइन 30 इज हाफ, 2 और हाफ हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज 5 × 10⁻⁷। तो इसको मैं 5 × 10⁻⁷ को मैं 0.5 × 10⁻⁶ भी लिख सकता हूँ, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर। डन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस राउंड नंबर 13 हुआ है, 14 हुआ है, 15 भी हुआ है, 16 भी हुआ है आई थिंक, यस। तो विल जंप टू 17 नंबर क्वेश्चन, ये बाकी है, इट इज रिलेटेड टू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। 17 नंबर, अनपोलराइज लाइट विथ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड्स, पोलराइड्स मतलब पोलराइजर्स। द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50° विद द वर्टिकल। तो जो पहला पोलराइजर था उसका एक्सिस वर्टिकल के साथ, वाई एक्सिस के साथ 50 का एंगल बना रहा है, एंड द एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। तो जो सेकेंड पोलराइड का एक्सिस है वो खुद हॉरिजॉन्टल है। गुड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकेंड पोलराइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको तुम इमेजिन कर लो, यू हैव टू इमेजिन। हमारे पास दो पोलराइड्स थे, तो लेट्स से दिस इज 1 पोलराइड, ओके, एंड इसका एक्सिस थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूं मैं, मोर ऑर लेस लाइक दिस। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि इन्होंने बोला है जो पहला पोलराइड है, फर्स्ट पोलराइड है, उसका एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इज एट 50°, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 50° का है। गुड, तो रिमेंबर दिस, दिस इज 50°, और इसको मैं साइड बाय साइड यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमको काम में आएगा, जस्ट लेट अस से कीप इट ओवर हियर, ये काम में आएगा हमको। गुड, देन हमारे पास और एक पोलराइड है, वी हैव वन मोर पोलराइड, और जो दूसरा पोलराइड है ना, जो दूसरा पोलराइड है वो उसका एक्सिस तो डायरेक्ट वर्टिकल ही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है। द एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल, मतलब जो सेकेंड पोलराइड है उसका एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका वर्टिकल के रिस्पेक्ट से 90° एंगल बन गया। मतलब इफ यू वॉन्ट टू शो ऑन द सिंगल डायग्राम ओनली एक्सिस, दिस इज हाउ इट इज, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो ये जो एंगल है ना, ये कितना था? 50 था। ये कितना था? 50 था, ओके। और ओवरऑल ये एंगल कितना है? 90 है। तो ये एंगल कितना होगा? 40 होगा। तो एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पोलराइड इज 40°। एंड इफ यू रिमेंबर जो अनपोलराइज लाइट था, UPL जो था ना, उसका इंटेंसिटी कितना बोला है? I0। और पहले पोलराइजर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होता है वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल होता है, I0/2। और जब सेकेंड से पास होता है तो जो इंटेंसिटी होता है इसके पीछे वाला देखा जाता है, कौन है पीछे वाला? I1। और कॉस स्क्वेयर एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट इज दैट? 40, दैट इज θ2। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देयरफॉर यू हैव I2 इक्वल्स टू I1, व्हाट इज I1? I0/2, cos square 40। तो अभी cos ऑफ 40 निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर यू हैव लॉग बुक, उसमें टेबल होता है cos का, तो 40 का cos और इसका स्क्वायर, 0.5868,
डिवाइड बाय टू, तो 0.2934, तो हो गया आंसर 0.2934 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी आई जीरो। क्या दिया आंसर? कॉस के फॉर्म में दिया है हाँ, पर ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक। अगला क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाला नंबर 18। इन अ बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो इफ यू रिमेंबर देयर वर टू मोर मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। एक तो था बाय यूजिंग टू स्लिट्स, दूसरा था लॉयड मिरर, और एक था फ्रेसनल बायोप्रिज्म। मैंने आपको तब बता दिया था कि फ्रेसनल बायोप्रिज्म का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, एक सोर्स होता है, उसके बाद एक स्लिट होता है, उसके बाद एक बायोप्रिज्म होता है, उसके बाद एक लेंस होता है, और स्क्रीन नहीं होता है, तुम सीधा सीधा टेलीस्कोप से देखते हो, तो देयर इज आई पीस थ्रू विच यू लुक एट द पैटर्न। तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं वापस ड्रॉ कर दूंगा। तो इन अ बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड, मतलब 20 बीटा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड द फर्स्ट ब्राइट इज वन फ्रिंज विड्थ। वन फ्रिंज विड्थ सेंटर से दो लोगे तो टू फ्रिंज विड्थ, ये सेंटर से 20 की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से 20 के बीच में 20 ब्राइट फ्रिंजेस है, ओके राइट, 20 बीटा इज द डिस्टेंस। व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बायोप्रिज्म एंड द आईपीस, तो बायोप्रिज्म और आईपीस के बीच में लेंस होता है, मैंने ये भी बताया था आपको, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। ये लेंस, ये लेंस आईपीस से 90 सेंटीमीटर पे है, मतलब बायोप्रिज्म से कितना दूर है फिर? 30, क्योंकि बायोप्रिज्म से लेके तो आईपीस तक 1.2 मीटर है, मतलब 120 सेंटीमीटर है, और आईपीस से लेंस 90 सेंटीमीटर पे है, बायोप्रिज्म से आईपीस 120 सेंटीमीटर पे है, आईपीस से लेंस 90 सेंटीमीटर पे है, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन बायोप्रिज्म एंड लेंस इज 30 सेंटीमीटर। गुड, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, अभी ये लास्ट में क्या बोला वही नहीं समझ में आया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर, व्हाट डज दैट मीन? इसके लिए आपको थोड़ा सा शायद कॉन्जुगेट फोकाई मेथड लग सकता है, तो मैं बता देता हूँ, लगा तो यूज करेंगे। अभी देखो, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड में व्हाट यू हैव लर्नड इन रे ऑप्टिक्स 11th स्टैंडर्ड, देयर इज अ स्क्रीन, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यू डू नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन इज अ प्लेस वेयर इमेजेस आर फॉर्म्ड, इमेज यहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट यहीं है, मतलब तुम ऑब्जेक्ट और इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस नहीं चेंज करने वाले हो, तुम चेंज करते हो पोजीशन ऑफ द लेंस। तो हम ना लेंस रखते हैं इन दोनों के बीच में, और ये लेंस की पोजीशन L1 मान लेते हैं। तो होता क्या है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1, और स्क्रीन पे क्या बनने वाला है, इमेज, दैट इज V1, बराबर। अब एक केस में तो व्हाट यू डू इज, इसको कॉन्जुगेट फोकाई मेथड बोलते हैं, कॉन्जुगेट फोकाई ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यू नो हाउ लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं, तो फोकाई मतलब दो फोकस, और कॉन्जुगेट फोकाई का मतलब क्या कि लेंस को तुम एक बार उसके पहले फोकस पे रख रहे हो, और एक बार तुम उसको दूसरे फोकस पे शिफ्ट कर रहे हो। तो पहले तुमने L1 पे रखा, फिर तुमने L2 पे रख दिया इसको, और क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का लोकेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब इमेज तो अभी भी स्क्रीन पे बनने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो गया और इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो गया, राइट। एक केस में बनता है डिमिनिश्ड इमेज, एक केस में बनता है मैग्निफाइड इमेज, दोनों में से किसी भी एक में बनता है डिमिनिश्ड, एक में बनता है मैग्निफाइड। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो भी इमेज बनेगा
वट एवर इट इज मैग्नीफाइड है डिमिनिश है वट एवर इट इज, उसका जो साइज है ना इमेज साइज उसको मैं फिलहाल डी वन बोल देता हूँ। और यहाँ पे बनेगा वट एवर मैग्नीफाइड होगा डिमिनिश होगा वट एवर, उस इमेज साइज को मैं डी टू बोल देता हूँ। तो वट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कॉलिंग दिस इमेज साइज एज डी टू। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजिशंस पे है, ये सिर्फ तब होता है, एक केस में डिमिनिश्ड है एक केस में मैग्नीफाइड है, सिर्फ तब होता है जब यू टू, व्हाट इज यू टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस टू, इट बिकम्स इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑफ केस वन। तो यू टू इज वी वन, यू टू इज वी वन बराबर, और वी टू इज यू वन, वी टू इज यू वन। तो रिमेंबर ऑब्जेक्ट जहां था वहीं है, स्क्रीन मतलब इमेज जहां था वहीं है, सिर्फ तुमने लेंस के पोजीशन चेंज किए। सॉरी, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ पहले केस का इमेज डिस्टेंस इक्वल टू दूसरे केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस। इसको तुम बोलते हो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, सिर्फ उसी डिस्टेंस पे पॉसिबल है। अगर तुमने ऐसे डिस्टेंसेस एक्सचेंज नहीं किए, अल्टर नहीं किए, तो जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा, स्क्रीन के पीछे या स्क्रीन से आगे कहीं तो बनेगा। गुड, तो यू हैव टू रिमेंबर लास्ट बेंच, ये नहीं याद होगा ना, ये क्वेश्चन नहीं समझेगा आपको। तो ये याद रखना कि आप यहाँ पे लेंस को मूव करते हो, पहले एक फोकस पॉइंट पर रखते हो फिर दूसरे फोकस पॉइंट पर रखते हो, राइट। दोनों केस में इमेज कहाँ बना, स्क्रीन पे, और ऑब्जेक्ट तो जहाँ था वहीं पे है। तो पहले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस है, पहले केस का जो इमेज डिस्टेंस था दूसरे केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। अब हमको सिर्फ इससे ये सीखना है कि नहीं, देयर इज मच मोर टू लर्न फ्रॉम दिस। तो डू यू रिमेंबर मैग्निफिकेशन, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बाय द वे मैं ये जो लिख रहा हूं ये मैग्नीट्यूड वाइज है, क्योंकि तुमने सीखा है इमेज साइज आई बाय ऑब्जेक्ट साइज ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू माइनस। तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ क्या लिख रहा हूं ये मैं मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। अब एक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट साइज उसको डी बोल देते हैं, डी स्मॉल डी, दिस इज ऑब्जेक्ट साइज। गुड, तो पहले केस में, केस वन में व्हाट वाज योर इमेज साइज डी वन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट साइज डी, व्हाट वाज द इमेज डिस्टेंस यू वन, व्हाट वाज द सॉरी इमेज डिस्टेंस इज वी वन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू वन, इक्वेशन नंबर वन। इन केस नंबर टू व्हाट डू यू हैव, सेम फॉर्मूला, इमेज साइज डी टू, ऑब्जेक्ट साइज सेम है डी है, इमेज डिस्टेंस वी टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू टू, बट वी टू इज यू वन एंड यू टू इज वी वन, ऐसे ही है ना, अरे ऐसे ही वी टू इज यू वन, यू टू इज वी वन। इक्वेशन टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन वन एंड टू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, तो यू गेट डी वन बाई डी इन टू डी टू बाई डी इक्वल्स टू वी वन बाई यू वन इन टू यू वन बाई वी वन। मतलब ये हो गया आपका कैंसल 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 कैंसल, तो आपको मिल गया डी वन इंटू डी टू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, मतलब आपको डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी वन इंटू डी टू मिल गया, मतलब आपको डी मिल गया अंडर रूट ऑफ डी वन इंटू डी टू। वॉट इज डी, ऑब्जेक्ट साइज, राइट, गुड। अब आ जाते हैं यहाँ, अगेन वी विल हैव टू रीड द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन अगेन। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, अभी जैसे ही बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो याद होना चाहिए, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यू हैव अ वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक पे यू माउंट करते हैं इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू यू हैव अ सोर्स, और ये सारे के सारे कोएक्सियल होते हैं, मतलब सबके सब एक ही एक्सिस पे है, इसलिए मैंने डमी लाइन ड्रॉ कर दिया। ये यू हैव अ सोर्स, देन यू हैव अ स्मॉल स्लिट, स्लिट नहीं दिखाएंगे हम लोग, फिर एक बायप्रिज्म होता है, बायप्रिज्म के बाद एक लेंस होता है, लेंस के बाद एक टेलीस्कोप होता है, आईपीस होता है, जिसमें से तुम ऑब्जर्वेशंस करते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट यू हैव अ
सोर्स, यू हैव अ सोर्स ओवर हियर, सोर्स ऑफ लाइट. देन यू हैव अ बायप्रिज्म, तो यू हैव अ बायप्रिज्म विच इज ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट. ऐसा एक बायप्रिज्म है. देन उसके बाद आपके पास एक लेंस है, लेंस है, और हम लोग तो लेंस को ही मूव करते हैं. एज आई जस्ट टोल्ड यू, वी विल बी मूविंग द लेंस फ्रॉम इट्स वन फोकाई टू द अदर फोकाई. एंड देन यू हैव एन आई पीस फ्रॉम थ्रू विच यू विल सी द इंटरफेरेंस पैटर्न. राइट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स. स्लिट्स, स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, कैपिटल डी. तो ये कैपिटल डी की बात हो रही है यहाँ पे, ये कैपिटल डी है. तो गिवन पैरामीटर में तुमको ये समझ में आना चाहिए, स्क्रीन की जगह पे आई पीस है यहाँ पे, और स्लिट से लेके स्क्रीन, मतलब स्लिट से लेके आईपीस का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है 1.2 मीटर का है, विच इज 120 सेंटीमीटर. आगे क्या बोला है आपको? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंटर एंड द 20th ब्राइट बैंड, मतलब 20 बीटा, 20 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0.4 सेंटीमीटर, विच इज बीटा इक्वल्स टू 4 × 10⁻¹ - 1/20 सेंटीमीटर, विच इज 1 and 5, 1/5 इज 0.2, तो 0.2 × 10⁻¹. इसको फिलहाल ऐसा रखता हूँ, बाद में देखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते बैठेंगे तो 2 × 10⁻²⁻² लिख देते हैं इसको सेंटीमीटर में. ये हो गया बीटा का वैल्यू, फ्रिंज विड्थ हो गया, फ्रिंज विड्थ. गुड, देन आगे क्या बोला है? व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द बायप्रिज्म एंड आईपीस, बायप्रिज्म एंड आईपीस, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये 90 सेंटीमीटर है. सो इफ दिस इज 90, राइट, सो दिस विल बी 30. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा हो गया, ये इमेज डिस्टेंस जैसा हो गया. तो फिलहाल टेम्पररीली मैं इसको यू और वी लिख देता हूँ, बाद में नोटेशन चेंज करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे. वी इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर. देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी, ये क्या है, क्या मतलब है इसका? द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस फाउंड टू बी, नहीं समझ में आ रहा ना? ये जो तुमने देखा ये सारा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे मैंने बोला एक केस में मैग्निफाइड इमेज होगा, एक केस में डिमिनिश्ड इमेज होगा. यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, तुम्हारे पास बायप्रिज्म है. डू यू रिमेम्बर बायप्रिज्म में देर आर टू वर्चुअल सोर्सेस? आ रहा है यार, बायप्रिज्म में, अरे बायप्रिज्म, बायप्रिज्म, बायप्रिज्म के आगे एक सोर्स रखा होता है, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है? एज इफ देर आर टू सोर्सेस, टू सोर्सेस. अभी जो दो सोर्सेस है, तो इमेजिन कर लो कि ये दो सोर्सेस है, इधर एक एस वन है, इधर एक एस टू है, बराबर. तो ये एस वन एस टू का इमेज बनेगा, एस वन एस टू का इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा? स्क्रीन पे. तो मान लेते हैं कि ये बन गया एस वन डैश इमेज ऑफ एस वन, ये बन गया एस टू डैश इमेज ऑफ एस टू. तो ये एस वन एस टू मतलब डी, और एस वन डैश एस टू डैश मतलब डी टू. तो डू यू सी ऑब्जेक्ट साइज इज स्मॉलर एंड इमेज साइज इज लार्जर, यस और नो? एस वन एस टू में जितना डिस्टेंस था, इमेज, इन दोनों के इमेज में डिस्टेंस बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया ना. तो ये तुमको D2 की वैल्यू बता रहा है, ये तुमको बता रहे हैं कि जो एक की जगह पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो, तो एक की जगह पे दो इमेजेस बनेंगे. अब दो इमेजेस बन रहे हैं, तो या तो डिस्टेंस कम होगा दोनों का, मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स वॉज लार्जर, एंड द इमेज मतलब एस वन डैश एस टू डैश पास में दिखेंगे, वो केस वन होगा, करेक्ट, वो केस वन होगा. और दूसरे केस में जब तुम सेकेंड फोकाई पे रखोगे, तो यही दो ऑब्जेक्ट का इमेज दूर दिखेगा, तो क्या बोलोगे उसको? मैग्निफाइड. क्या बोलते हैं उसको? व्हेन द इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफाइड. तो तुमको डी टू की वैल्यू दी है, डी टू की वैल्यू दी है तुमको, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए था. व्हाट इज डी टू वैल्यू? हाउ मच? बोला है ना 0.9 सेंटीमीटर. गुड, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, फाइंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेरी गुड.
दिस इज सम क्वेश्चन, मतलब हम लोगों को बेसिकली ये सारा जो तुमको मैंने बताया ये सिर्फ इसके लिए बताया कि लेंस के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि जो दो सोर्सेस थे S1 एंड S2, जो दो वर्चुअल सोर्सेस थे, इनके जब इमेजेस बनेंगे तो या तो वो दोनों सोर्सेस पास में दिखेंगे या फिर वो दोनों सोर्सेस एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे दिखेंगे, या तो डिमिनिश इमेज बनेगा या मैग्निफाइड इमेज बनेगा। तो एनीवेज दिस इज व्हाट यू हैव, आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। नाउ हाउ टू रीच टू द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ, देखो अल्टीमेटली फ्रिंज विड्थ क्यों दिया होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में वेवलेंथ आता है, इसलिए दिया है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू बीटा डी बाय कैपिटल डी। हो गया, यू हैव दिस आइडिया नाउ, राइट? अब मुझे बताओ तुमको अगर वेवलेंथ फाइंड करना है, व्हाट यू सपोज टू नो इज बीटा एंड स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट डू यू नो, यू नो बीटा, यस। यू नो कैपिटल डी, यस। डू यू नो स्मॉल डी, नो, यू डोंट नो स्मॉल डी। तो हाउ डू यू फाउंड फाइंड आउट स्मॉल डी, इसके लिए ये चाहिए। अब इसके लिए ये चाहिए, हाउ डू फाइंड आउट स्मॉल डी बताओ। ये फाइनल फॉर्मूला तक आने की जरूरत नहीं है तुमको, लुक एट द इक्वेशंस एंड टेल मी हाउ यू फाइंड आउट स्मॉल डी। आर यू सी एनी वन ऑफ दिस भाई, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो तुमको इमेज साइज दिया है ना, इमेज साइज दिया है ना, तो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इंटेंशनली आई एम गोइंग वे टू स्लो, अब तक खत्म हो जाता हमारा, लेकिन थोड़ा है भी अच्छा क्वेश्चन ना। व्हाट इज इमेज साइज डी टू, व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज, वी आर कॉलिंग इट एज डी, विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। इसलिए मैंने बार बार बोला कि थोड़ा ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज डी, और ये जो तुम बीटा का फॉर्मूला यूज करते हो उसमें ये डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज स्मॉल डी, राइट? गुड, तो ये है आपका इमेज डिस्टेंस और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से तुमको मिल जाएगा स्मॉल डी इक्वल्स टू यू बाय वी इंटू डी टू। डू यू नो यू, यस। डू यू नो वी, यस। डू यू नो डी टू, यस। डी मिल जाएगा, डी वहां जाएगा, आपका वेवलेंथ का फॉर्म वैल्यू आ जाएगा। तो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी, या तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया तो भी चलता है। सो देयरफॉर आई विल से फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू यू हैव वेवलेंथ इक्वल्स टू बीटा बाय कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, बट स्मॉल डी इज यू बाय वी डी टू। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 × 10⁻²। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू बी अगेन वेरी केयरफुल, बहुत संभल के चलना पड़ेगा आपको। बीटा 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 किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तुम, सेंटीमीटर में, तो जो कैपिटल डी है वो भी सेंटीमीटर में रखना। तो बीटा कितना था, 2 × 10⁻²⁔ सेंटीमीटर, और कैपिटल डी कितना आएगा फिर, 120 सेंटीमीटर। U की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर। मतलब देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सिर्फ इसका सेंटीमीटर बचा, दैट इज द होल आइडिया हियर। गुड, तो भी ध्यान रखना, ये और ये गया, ये वनजा और ये हो गया टेनजा, बराबर। गुड, ये हो गया आपका वनजा और ये हो गया आपका 40जा, ठीक, बराबर। ये हो गया वनजा और ये हो गया 20जा। तो फाइनली क्या आया, 1/200 × 10⁻²। तो बेसिकली यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻²⁪ अपॉन 200 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 1/2 कितना होता है, 0.5,
और 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 5 × 10⁻⁷ मीटर, मतलब ये आ गया आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज आंसर गिवन टू यू? 5 एंगस्ट्रॉम। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी एक कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, दैट इज समथिंग यू शुड नो, तो ये पीडीएफ में मैं रखने वाला हूँ, आई नॉट डिलीट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेंस टू स्क्रीन का डिस्टेंस, मतलब स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस, मतलब कैपिटल डी या फिर एफ की बात हो रही है, फोकल लेंथ। इफ द स्लिट विड्थ इज, मतलब स्मॉल ए इज 0.2 mm, द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम के एक साइड पे और दूसरे साइड पे राइट कितना डिस्टेंस है फर्स्ट मिनिमम का? 5 mm, मतलब एक्स की वैल्यू दी है। याद है कि आपको सेंटर से पहला मिनिमम होता है एक्स पे और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है 2x। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्वेश्चन इज सिंपल, पहले आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए कि बोला क्या है। मान लेते हैं कि ये स्क्रीन है, तो दिस इज अ स्क्रीन, देन यू हैव दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमम ऑप्टेन होता है। देन यू हैव समवेयर ओवर यू हैव अ स्लिट, तो यू हैव अ स्लिट, नैरो स्लिट। देन ये जो स्लिट का विड्थ होता है इसको तुम ए बोलते हो। देन यू हैव अ लेंस हियर, ये जो डिस्टेंस होता है स्लिट टू स्क्रीन ये होता है डी, और लेंस का फोकल लेंथ होता है एफ। और ये जो ये यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ लाइन हियर, डमी लाइन समथिंग लाइक दैट। फिर तुमको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से पहला मिनिमा जो डिस्टेंस है, हम नॉर्मली थ्योरी में इसको एक्स से डिनोट किए थे, तो मैं एक्स ही रख देता हूँ उसको। तो दिस इज वॉट यू नीड टू नो। देन गिवन पैरामीटर में क्या क्या है आपके पास, गिवन पैरामीटर में क्या क्या है आप पहले वो देख लो अच्छे से। सबसे पहले क्या बोला है, फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय नैरो स्लिट, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। तो कैपिटल डी या फिर एफ, ये 2 मीटर है अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। इफ द स्लिट विड्थ, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल ए इज 0.2 mm, विच इज बेसिकली 2 × 10⁻⁴ मीटर, एंड द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड, मतलब एक्स की वैल्यू 5 mm है, 5 mm है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁴ मीटर। अगर तुमको एक्स का फॉर्मूला याद नहीं तो तुम 2x कर लो, 2x इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। याद है क्या क्या था? 2λd/a, 2λd/a। और अगर वो भी नहीं याद है तो फिर फॉर्मूला वापस डिराइव करना पड़ेगा, तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, आपको याद होना चाहिए। तो ये याद रहना अच्छा है आपके लिए। आपको पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यू आर सपोज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने थ्योरी में जब हम लोगों ने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिराइव किया था ना, उस केस में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x होता है, वो होता है 2λd/d, वो 2x होता है, यहाँ पे ये x है, तो λd/a, तो यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू xa/D, राइट। तो यू विल हैव लैम्डा इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 × 10⁻⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 2 × 10⁻⁴ अपॉन व्हाट इज डी, हाउ मच इज डी, 2 मीटर। तो ये 2 over 2 हो गया, कैंसिल, गुड। देन यू हैव 5 × 10⁻⁸, तो यू हैव 5 × 10⁻⁸। इसको -10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर क्या मीटर में दिया है क्या आपको? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो एक काम करो, एंगस्ट्रॉम में ना, तो 5 × 10⁻² और 10⁻²² एडजस्ट कर लिया, तो वैसा एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, बट +2 − 2, तो यू हैव 500 × 10⁻²-10। तो 500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ आइडियली आंसर ये होना चाहिए, क्या दिया है, 5 mm, sorry, absolutely sorry for that. तो ये 10⁻³ - 3, फिर ठीक है, 10⁻³ ओके,
इट इज 10^-3, तो 10^-7 आ गया, तो हमारा काम तो यही हो गया था, 5000 angstrom. थैंक्स फॉर करेक्टिंग. तो ये आ जाएगा आपका 5000 angstrom. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट. तो एक सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी अगर I1 है और दूसरे से जो आ रहा है वो I2 है, तो I1 इज 2 times of I2, ऐसा बोला है. What will be the approximate ratios of the intensity of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern? Simple सी बात है. तो आपको पहले तो given parameter में दिया क्या है, अगर पहले source का intensity I1 है, दूसरे का I2 है, तो I1 is to I2, मतलब I1 by I2 का ratio 2 है, right? और आपको find करने के लिए क्या बोला है, आपको पूछा है ratio of intensity of bright to dark. Bright कब बनता है? Constructive interference. और कंस्ट्रक्टिव होता है मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, राइट. और डार्क कब बनता है? डिस्ट्रक्टिव, मतलब इंटेंसिटी उस पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम होता है. तो आई मैक्स बाय आई मीन पूछा है, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर आई मैक्स एंड आई मीन और द रेशियो? रेशियो याद है क्या इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? मैंने रेशियो सब बना के दिए हुए, ये इट वॉज अंडर रूट ऑफ I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2 का square. ये सब हमने already मैंने बना के दिए formulas ये. अभी तुमको करना क्या है, सिर्फ तुमको सिर्फ ये करना है कि ये जो numerator और denominator है ना, इन दोनों में से तुमको सिर्फ I2 common निकालना है, root of I2. यहाँ पे रूट I1 था और I2 कॉमन निकाल लिया, तो रूट I1 बाय I2 हो गया, ये बाहर आ गया +1. और यहाँ पे भी वही होगा, रूट I1 बाय रूट I2 -1, हाँ. और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, तो रूट I2 तुम्हारा हो गया ये कैंसल आउट. तो रूट I1 बाय रूट I2, व्हाट इज रूट I1 बाय I2? √2, ये √2 है ना. तो ये आ गया आपका √2 + 1 अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर. व्हाट इज √2? 1.414. ओके, तो 1.414 प्लस 1 इज 2.414. मैं आगे का लिख नहीं रहा. 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, बराबर. तो 24/4 कितना होता है? 6 होता है. तो 6 का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना है? 36. एग्जैक्ट करोगे तो 34 भी आ जाएगा, क्योंकि आंसर 34 दिया है, वो दिखा देता हूँ. एग्जैक्ट करोगे तो 34 आता है, क्योंकि देन यू विल डू 2.414 डिवाइडेड बाय 0.414, 5.83 का स्क्वायर. अरे क्या कर रहा है, डिवाइड क्यों कर दिया? 5.83 का स्क्वायर 33.9889, तो 34 आ गया ये. तो एग्जैक्ट आंसर इज 34, अप्रोक्सीमेट आंसर इज 36. अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 mm. सो यू हैव अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर. It passes through a slit of width 0.4 mm. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. What is the distance between the two first order minimas? Two first order minimas का distance मतलब क्या? Principal maximum का width. तो width पूछा है आपको. आपको क्या क्या दिया है? आपको wavelength दिया है. Wavelength is 546 nanometer. Which is basically 5.46 × 10^-7 meter. And the width of the slit, matlab small a, it is 0.4 mm. 0.4 mm matlab 4 × 10^-4 meter. 0.4 mm. Good. Then the intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. The distance of the slit and the screen is capital D, which is 40 centimeter away, which is 0.4 meter. Matlab ठीक है, आई राइट डाउन 410 टू माइनस 1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको.
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास? डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास मतलब बेसिकली विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और अभी मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 19 में कि ये होता है 2x और ये होता है x होता है 2 लैम्डा d बाय a। तो सिंपल है, तो w इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दी है 5.46 इंटू 10^-7, d का वैल्यू तो हमारे पास है 4 इंटू 10^-1, 4 इंटू 10^-1, दिस इज व्हाट यू हैव डिवाइडेड बाय व्हाट इज a, a इज 4 इंटू 10^-4। ओके ठीक, तो ये और ये हो गया कैंसिल, ऊपर 10^-8 है, नीचे 10^-4 है, तो 10^-4 बचा। 5.46 इंटू 2, 5 का डबल इज 10, 0.46 का डबल इज 0.92, तो इट इज 10.92 इंटू 10^-4, तो 1.092 इंटू 10^-3 मीटर, मतलब बेसिकली 1.09 मिलीमीटर, तो 1.09 या फिर 1.1 मिलीमीटर आंसर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ मतलब स्मॉल ए टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45। इट्स अ जोक। Why it is a joke? Because formula पता होगा, diffraction pattern पता होगा, तो joke है। पहला diffraction हुआ 45 degree पे, पहला minima मतलब, first minima is at 45 degree, right? आपको पूछा है, what is the ratio of a by lambda? ऐसे पूछा ना, ratio of slit width to the wavelength। अभी if you remember, you must remember, बताओ तो minimum कहाँ कहाँ बनता है, under what conditions? Do you remember delta was n lambda for minimum? And do you remember delta is a sine theta for diffraction? हमने find किया था ना part difference between a and b rays coming from a and b, that is be. Be was a sine theta, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो फिर अभी समझ लो यहाँ से। और for first minimum n की value 1 होती है, तो ये formula तो आ गया कम से कम। So you have a by lambda equals to n by sine theta in general. ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला। तो यू हैव फॉर फर्स्ट मिनिमम एन की वैल्यू इज 1, देयरफॉर ए बाय लैम्डा इज 1 अपॉन साइन थीटा विच इज 45। व्हाट इज साइन ऑफ 45? ओ 1/√2, तो 1 अपॉन 1/√2 इज √2, तो आंसर √2 दिया होगा या तो 1.414 दिया होगा, दिया गया 1.27 कहां से आ गए? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्वेश्चन नंबर 23, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट, डिस्टेंस सोर्स मतलब बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.5 मीटर अवे, कैपिटल डी इज 2.5 फ्रॉम द स्लिट। इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब w व्हिच इज 2x व्हिच इज 2 लैम्डा d बाय a, इट इज 6 mm। व्हाट इज द स्लिट विड्थ मतलब a पूछा है। इफ द वेवलेंथ इज, तीन केस दे दिए, 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज किया, 50 माइक्रोमीटर का यूज किया और अगर 0.5 का यूज किया, तो 500 नैनोमीटर फॉल्स इनटू विजिबल रीजन व्हिच इज मोर और लेस ग्रीन कलर का लाइट होता है ये, 50 माइक्रोमीटर ऑफ कोर्स इट फॉल्स इन इंफ्रारेड रेडिएशन IR, एंड 0.5 नैनोमीटर इज एक्सरे, सो उन्होंने मेंशन करके दिया है। आपको तीनों केस में सिर्फ स्लिट विड्थ पूछा है। तो गिवन पैरामीटर्स में व्हाट डू वी हैव इज, सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन इज 2.5 मीटर अवे, कैपिटल डी। The width of the central maxima, which is W, which is 6 mm, which is 6 × 10^-3 meter. I'll just convert everything to meter. What is the slit width? You are supposed to find out
स्लिट विथ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इन द फर्स्ट केस द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, इसको मैं लैम्डा वन बोल देता हूँ, लैम्डा वन बोल देता हूँ, विच इज 500 नैनोमीटर. एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू 500 नैनोमीटर इज 5 × 10⁻⁷ मीटर. देन इन द सेकेंड केस, इन द सेकेंड केस वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज हाउ मच, इट इज 50 माइक्रोमीटर. लैम्डा टू बोल देते हैं इसको 50 माइक्रोमीटर. 50 माइक्रोमीटर इज 15 × 10⁻⁶, मतलब 5 × 10⁻⁵ मीटर. एंड इन द थर्ड केस द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 0.5 नैनोमीटर. 0.5 नैनोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁹ और ये 0.5 का एक 10 लेता हूँ, 10⁻⁻ मीटर हो गया, मतलब 5 एंगस्ट्रॉम आ गया, स्मॉल वेवलेंथ. गुड राइट. और आपको हर एक केस में फाइंड करना था स्लिट विथ. तो यू रिमेंबर व्हाट इज विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इट इज 2λd/a. तो व्हाट इज a, बोले थे 2λd/w. अब थोड़ा सा ध्यान दे दो क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे स्टेप्स बच जाएंगे ध्यान देने से. ऐसा है, इन ईच ऑफ द केस सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रहा है, मतलब डी वही है डब्ल्यू वही है. तो व्हाट यू शुड डू इज, आपने ऐसा करना चाहिए इसके लिए, ए इक्वल्स टू 2d/w (λ). इसका मतलब तुमने पहले से ये कैलकुलेट करके रख दो. व्हाट इज 2 × d, डी वॉज 2.5 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. व्हाट वॉज डब्ल्यू, 6 × 10⁻³. ओके, ये 5 हो गया. तो a इक्वल्स टू ये 5/6 × 10⁻³ आ गया. तो 10⁻³ और 10⁻³ + 3 हो गया. हाँ, मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो सिर्फ ये वाला पैरामीटर कैलकुलेट करके रख देता हूँ क्योंकि ये मुझे हर एक कैलकुलेशन में लगने वाला है, इसके लिए करके रख दिया. ठीक, तो 10⁻³ यहाँ तक ठीक है. ओके, तो अब केस बाय केस. तो केस वन you have a equals to 2d by w lambda 1. What is 2d by w? 5/6 × 10�³. Okay, what is lambda 1 ka value? 5 × 10⁻²⁷. 5 × 10⁻²⁷. ठीक, तो क्या आ गया ये, 25/6 × 10⁴. 25/6 is 4 point something. तो क्या है पहला आंसर, 4 point, थोड़ा जोर से बोलो, सुना नहीं देता मेरे को, 4.16, 10⁻⁴, माइनस फोर ही आने वाला है वो मीटर में, करेक्ट है. हाँ, वेरीफाई. mm, तो mm कहाँ से आ गया. ठीक है, ओके, देन 10⁻³ था ना ये, तो ठीक है 10⁻⁴ है बराबर. नंबर टू, ए इक्वल्स टू 2d/w λ² हाउ मच इज दिस, 5 × 10⁵ व्हाट वाज λ² 5 × 10⁻¹⁰. मतलब देखो नंबर्स तो सेम ही आने वाले, सिर्फ 10 के पावर चेंज होने वाले हैं. तो नंबर्स तो सेम ही आने वाला है, 10 का पावर चेंज होने वाला है. व्हाट इज द पावर ऑफ 10 हियर इन दिस केस, 4.16 × 10⁻⁷ - 7 मीटर. दिस इज ए. तीसरे केस में भी यही होने वाला है, सिर्फ पावर चेंज होगा. तो यू हैव 2d/w (λ³). दिस इज लाइक ऑफकोर्स वही 5/6 × 10⁻³. और व्हाट इज λ³, 5 × 10⁻². व्हाट इज λ³, 10⁻⁻, अच्छा दूसरे केस में -5 था. ओके, कोई बात नहीं, -5 था. तो कितना आ जाएगा इधर, 10⁻⁻, अरे जल्दी बोल दो ना, 10⁻⁻². इधर आ जाएगा आपका 10⁻⁻-10. तो ये हो गया आपका 4.16 × 10⁻⁷-7. है क्या ऐसे आंसर्स, हो गया मैच, हो गया, हाँ ना, हाँ, यस. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है, अ
स्टार इज इमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है और स्टार बोला है, तो स्टार ये प्राइमरी सोर्स होता है, सेल्फ लुमिनस होता है, तो वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम विच इज 5×10⁻¹⁷ मीटर। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर 200 इंच। तो ऑब्जेक्टिव का जो डायामीटर है, ऑब्जेक्टिव का जो डायामीटर है, डायामीटर को हम लोग ए से डिनोट कर लेंगे, 200 इंच। यू शुड नो 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाद में, पहले इसमें तो कर लो। तो हाउ मच इज दैट? अच्छा एक काम करो, चलो मीटर में लाते हैं। तो 200×2.54×10⁻²⁪ मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻²। बराबर, तो ये 200 और ये 10⁻²⁻ गया, तो ये 2.54 का डबल हो गया। व्हाट इज डबल ऑफ 2.54? 5.08। तो 5.08 मीटर का अपर्चर है उसका। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब डी, राइट? करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? डी मतलब डी थीटा बेसिकली, क्योंकि टेलीस्कोप की बात हो रही है तो फिर यही होगा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डी थीटा? 1.22 लैम्डा बाई ए, यही था ना। तो यू हैव दिस एज डी थीटा इक्वल्स टू 1.22, लैम्डा इज 5×10⁻¹⁷, इफ आई रिमेंबर 5000 एंगस्ट्रॉम था, करेक्ट है, डिवाइड बाई ए वैल्यू इज 5.08। अभी क्या ही कैलकुलेशन बताऊं मैं आपको, ये 1.22×10⁻¹ के आसपास आंसर आएगा। क्या आंसर? 1.2×10⁻¹⁷। तो 5 और 5 तो वैसे भी कैंसिल हो गए ना, तो इसलिए 1.2×10⁻¹⁷ रेडियन, दैट इज व्हाट यू हैव एंगुलर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, ब्राइट फ्रिंजेस, बैंड्स एक ही बात है, मतलब फ्रिंज विड्थ। इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 0.32 mm। मतलब जब तुमने 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट यूज किया, तब जो फ्रिंज विड्थ था वो 0.32 mm था। बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज? अच्छा देखते हैं, मतलब बाय हाउ मच विल द फ्रिंज विड्थ चेंज इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। तो सिंपल भाषा में क्वेश्चन ऐसा है कि हमने जब 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट यूज किया, तो फ्रिंज विड्थ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन ब्राइट टू द नेक्स्ट ब्राइट, टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, तब फ्रिंज विड्थ कितना था? 0.32 mm। अब अगर मैं वेवलेंथ चेंज करके 4800 कर देता हूं, तो फ्रिंज विड्थ कितने से चेंज होगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो अभी इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको वैसा ही यूज करो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ कम होगी। आपको पहला फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 0.32 mm, और आंसर को हम लोग फिलहाल mm में ही फाइंड करेंगे। आपके पास जो पहला वेवलेंथ था वो था 6000 एंगस्ट्रॉम, डू नॉट कन्वर्ट, ऐसे ही रखो, और जो सेकंड वेवलेंथ था वो था 4800 एंगस्ट्रॉम। और आपको पूछा है व्हाट इज द अपेरेंट चेंज, व्हाट इज द अपेरेंट मतलब व्हाट इज द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, तो डेल्टा बीटा चेंज इन फ्रिंज विड्थ। तो पहले तो मेरे को ये बता दो, क्या बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ? जल्दी बताओ विदाउट टेकिंग टाइम, जल्दी। हाँ बराबर, अब तुमने सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया, यू डिड नॉट चेंज द स्क्रीन डिस्टेंस, स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, यू डिड नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब दीज टू आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीटा 2 बाई बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। इसका मतलब क्या होता है कि बीटा, चलो ठीक है अभी यहां तक ठीक है, अभी इसका मतलब हम सोल्यूशन में देखेंगे। तो व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड आउट, व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा बीटा, विच मींस यू आर सपोज टू फाइंड आउट बीटा 2 माइनस बीटा 1 और बीटा 1 माइनस बीटा 2 डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, लिखने का बाद में कर सकते हो, टाइम नहीं होगा तो तुम पीडीएफ से भी लिख सकते हो, यहाँ ध्यान दो क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले वेवलेंथ कितना था? पहले वेवलेंथ कितना था, फिर कितना हो गया? 4000। तो वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो गया, इसका मतलब बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2, है कि नहीं ऐसा? हाँ, तो इसको उल्टा लिखो ना फिर, यू हैव टू राइट इट बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2, राइट। अब थोड़ा और अच्छे से सोचो, क्या मैं बीटा 2 फाइंड करने में अपना टाइम वेस्ट करूं? बिल्कुल नहीं, नहीं करना। तो इसका मतलब तुमको बीटा 2 को
इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर, मतलब बीटा वन लैम्डा वन लैम्डा टू लाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया ये बीटा टू इक्वल्स टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन इंटू बीटा वन, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू हैव बीटा वन माइनस लैम्डा टू बाई लैम्डा वन इंटू बीटा वन, और मैं यहाँ से बीटा वन कॉमन भी निकाल लेता हूँ, वन माइनस लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो डेल्टा बीटा इक्वल्स टू व्हाट इज बीटा वन, 0.32 mm, और mm में ही रखेंगे आंसर क्योंकि शायद आंसर mm में दिया है। देन वन माइनस लैम्डा टू, व्हाट इज लैम्डा टू, व्हाट इज लैम्डा टू, 4800 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6000, राइट, करेक्ट, गुड गुड, कैंसल कैंसल, 6000 था ना, 6000, हाउ मच इज दिस, 4/5, 12 4s are 12 5s are, वॉट इज 1 माइनस 4/5, 1/5, तो डेल्टा बीटा इज 0.32 और 1/5 आ गया mm। आपको मैंने बताया है नीचे 5 आए ना तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो, ऊपर आ गया 0.64, नीचे आ गया 10 mm, तो योर आंसर विल बी 0.064 mm, है क्या ऐसा, यस डन। सो दैट इज द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक।